आज आम नवम श्रेणी हिंदी मंजरी बहर पद्य विभाग प्रथम अध्याय अनमोल मोती कबीर दास दोहेरु आसी अच्छी यार आम प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो ता पूर्व देख कि शब्दार्थ आम आलोचना करवा जपर मनीषा मनीषार अर्थ कौन मनीषार अर्थ हूँ मनुष्य बा मानव से देह देहर अर्थ कौन शरीर आम शरीर को आम देह बोली कहवा से डार डार अर्थ हूँ डाली जपर दरार दरार अर्थ फाटना फाटा फटना मिटना आम दरार बोली कही थोपर दुर्लभ दुर्लभर अर्थ हूँ मिलना मुस्किल है जोटा मिलवा कष्टर तरबर तरबर अर्थ पेड़ बा गच्छ को वृक्ष को आम तरबर बोली कही थोपर जूरे जूरे अर्थ जुड़ जाते हैं जोड़ी हो जूरे बोली कहा जाए परी धक्का धक्कार अर्थ हूँ झटका बा ठेला जोटा को झोका मैंने पेलवा झटका आम धक्का बोली कही थोपर देख बर्तमान आम यार प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। तो प्रथम प्रश्नटी देला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्य में दीजिए तले दि जा प्रश्नगुड़िकर उत्तर दुई बा तीनोटी वाक्य दि करे देला मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है मनुष्यर जन्म को कहीं दुर्लभ कह कहीं कह मनुष्य जन्म को ना देख आम मनुष्य जो जन्म नौ तो देख कहीं दुर्लभ कह गला कहीं सब जिते प्राणी अच्छा जो मैंने जो मान जीवन अच्छी से मध्य मनुष्य हूँ एकमात्र प्राणी जहाँकि चिंता करी पारे जी कि कथा कही पारे एवं सी कौन मानने सबुठ सर्वश्रेष्ठ प्राणी बोली कहुई कहीं सब कथा चिंता कर पार समस्त को निज बसीभूत करें मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कह बहुत पुण्य कर्म कलापर ही आमको मनुष्य जन्म मिली तो आम जो मरी जाऊँगी आम मृत्युवरण कर जीवन आम कि जाणी ना तो कौन हुए से कथा कहीं भी कहीपारे ना से जीवन को आम कौन करवा सदुपयोग करवा तो आम समस्त भितर भल पाइबा समस्त को भल पाइबा देवा स्नेह देवा प्रेम देवा उपकार करवा मंगल करवा इत्यादि विभिन्न कथा करवा कहीं यापर कौन हम आम जाणी ना तो बर्तमान में बचा आम शिखा जहाँ जहाँ हो जाए अतीत जहाँ ता कथा भाविकिना आम आज को आम नष्ट कि भविष्य में कौन हम से कथा भाविकिना चिंता करवा ना बर्तमान को नहीं बचा बर्तमान आम पाखे जहाँ अच्छी बर्तमान समय टी आम हाथ में अच्छी बर्तमान को जदि आम भल भाव गढ़ीदे तो भविष्य आम भल हम तेना मानव जन मनुष्य जन्म को आम मानते भल भाव उपयोग करवा आम क्या सहित झगड़ा कि राग अभिमान हिंसा क्रोध इत्यादि आम समय नष्ट ना आम भल भाव उपयोग करवा से आम मनुष्य जन्म बारंबार आसे ना ताकि दुर्लभ बहुत मानते मूल्यवान अर्थात मिलवा बहुत कष्टर बहुत पुण्य कर्म करते आम आज मनुष्य जन्म पाई तो एक कबीर दास आम कौन कही ना उत्तर आम लिखा संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है संसार में मनुष्यर जन्म वो दुर्लभ अर्थात बहुत कष्ट मिली थाए मनुष्य को देह या शरीर बार बार नहीं मिलता मनुष्यर शरीर व तार देह ताको बारंबार मिले ना अर्थात आम भाविबा एबे मरीगला परे आम परजन्म आम आउ थे मनुष्य जन्म पाइबा से भूल धारणा कारण परजन्म कौन हुए से कथा आम कहीं भी जाणी नहांती तेनाली पर मानते भविष्य कथा भाविबा पूर्व आम बर्तमान को उपयोग करवा बापा माँ का कथा मानवा स्नेह आदर करवा भल पाइबा देवा सम्मान देवा आम सान भाई भूनी मान को भल पाइबा देवा सांग मान सहित बहुत भलि मिसिबा तो समस्त सहित आम भल भाव मैं मिसिबा स्नेह प्रेम जो मैंने स्नेह प्रेम देवा सहित जो मैंने गरीब लोक दुखी रंगी लोक से उपकार करवा से मंगल चिंता करवा तो यही सब भल कथ को आम कबीर आमको शिखे यहीपर भाव में आम भल कथ करवा कारण आम मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ मैंने आम देह मिलवा आम देह को आमको बारंबार मिले ना इसीलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है एथिपाई मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा जाए कहीं यह बारंबार मिल न थाए खरे देला साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों साधु एवं सज्जनों का तुलना कहाँ सहित होइची और कहीं होइची तो उत्तर लिख देख साधु हूँ जो मैंने भल लोक तुलना कहाँ सहित होइची तो उत्तर लिख साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है साधु एवं भल लोक अर्थात सज्जन लोकंर तुलना सुना सहित करा जाइची कारण सोना टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकता है कारण सुना
माने शहे थर भांगे पर शहे थर आम जोड़ी पारा अर्थ से भांगी गले शहे थर आम जोड़ी पारा मतलब ये है कि सज्जन लोक हमेशा मित्रता बनाए रखते हैं। तो यार अर्थ कौन है कहीं कह कारण सज्जन लोक अर्थ भल लोक से माने सब बड़े मित्रता अर्थ बंधुता बांधि रखी था कहीं देख मन कर तुम जड़े तुम तुम बापा माँ सहित मन कर तुम खराब आचरण कल अर्थ कौन कल डिसरेस्पेक्ट कल अर्थ तर मैंने असम्मान कल तापर जोबले तुम असुविधा पड़ी था सेत किए तुम सहित थाए तुम बापा माँ ही तुम सहित था तुम गुरुजन मैंने ही तुम सहित था अर्थ तुम्हें जदि तुम भांगीदल मन को भांगीदल आघात दल कष्ट तथा से मैंने तुम सहित से भाव में संपर्क रखी था अर्थ तुमको से भाव में भल पाइबा दे था से भाव से तुम मैंने सब कथ को बुझी था तुम किसी भी कष्ट न हुए से कथा मैं देखी था निजे कष्ट रही से तुमको सुख दे था जदि तुम्हें सहित खराब आचरण कल तथापि से तुम सहित आजीवन रही था तो से आम सज्जन बोली कह अर्थ साधुजन कह अर्थ जहाँ को तुम बारंबार तुम कष्ट अर्थ हृदय को आघात दे जिते थर तुम आघात दब से थर से तुम असुविधा समय से तुम सहित रे तुम हाथ छाड़ी केवे भी जीवे कारण से बापा माँ तेनाली बापा माँ मैं साधुजन बापा माँ आम बापा माँ हूँ साधु लोक तो से भाव में दुनिया में बहुत साधु लोक अच्छा तुम सांगसाथी तुम पाख पड़सा हो पारे बहुत साधु लोक अच्छा जो मानक कि तुम जदि सहित खराब आचरण कर कि तुम्हें सहित किसी मानने खराब व्यवहार कर आघात दिखे अर्थ मैं सब बार तुटने से मानने भांगार अर्थ कौन टुटना अर्थ कौन मानने सहित जी तुम मित्रता न रख व कौन सी कारणवश तुम सहित कथा न हो अवॉइड कर अर्थ सहित न मिस तुम असुविधा समय सी आसी तुम सहित रे तुम विपद आपद सब बेले से तुम पाखे रे तो यह हूँ विशेषत्व अर्थ जिते थर भांगीदे से पुनर्बार जोड़ी हे तो पुनर्बार से बंधुतार हाथ बढ़े जिते थर तुम सहित जदि छलना कर तुम्हें सहित जदि मैंने तुम्हें जब कष्ट से थर व पुनर्बार से तुम से तुमको बंधुतार हाथ बढ़े यह हूँ सज्जन गुण तेनाली सुना सहित तुलना कर गर देला कुंभार का कुंभ किसे कहा गया है और क्यों तो कुंभार कुंभ बा माठिया कहा को कहा जाएगी आउ कहीं कह जाएगी तो उत्तर कौन लिख ना कुंभार का कुंभ दुर्जन बा खल व्यक्ति व्यक्ति को कहा गया है कुंभार कुंभ दुर्जन बा खल प्रवृत्तिर व्यक्ति को कहा जाएगी क्योंकि ये कुंभार के घड़े जैसे होते हैं कुंभार घड़ा अर्थ माठिया भली से माने कहीं माठिया को जदि तुम टिके आघात दे जाओ से भांगी जीव से पुनर्बार जोड़ी हब ना जो एक झटके से टूट जाता है तो कुंभार कुंभ अर्थ माठिया को जदि तुम गोटे धक्का दि से थरक भांगी जीव से भाव में दुर्जन मैंने अर्थ जो मैंने खल प्रकृतिर लोक तुम जदि सहित टी खराब व्यवहार कल तुम्हें सहित जदि हृदय को मैंने तुम्हें सहित आज कि एमती कल जो जोटा कि मैंने भल लगानी तेल से तुम सहित आ बंधुता रखे ना से तुम सहित कौन करेंगे बंधुता काटिदेवे तुम विपद आपदे साय करे से कह तुम तो आसी न था तुम मो असुविधा तो रही मुझ कहीं तुम असुविधा रही अर्थात टिके जदि किसी सहित यदि अनबन है मानने अपड़ है तेल से मैंने कौन करेंगे तुम हाथ छाड़देवे अर्थ तुम जितेबाला असुविधा थी से आसबेनि तुम्हें सहित मानने पूर्व जहाँ जहाँ करें से कथा को मन रखी थे से जमा भी हेल्ला तुम पाखक आसबेनि कि तुम बंधुता को बंधुता को मानने तुम से तुम बंधु थी अर्थ कौन कारणवशत तुम झगड़ा हो जाए तेना तुम जो असुविधा थी से तुम सहित आसबे ना कारण जो झगड़ा ही से कथा को मन रखी थे यह हूँ दुर्जन कथ अर्थ दुर्जन को माठिया सहित तुलना कराई माठिया को जदि आम टे आघात देवा टी भांग मानने धक्का देवा तेल से भांगी जीव आनर्बार जोड़ी हम ना जहाँकि दुर्जन मान गुण थाए से जदि टी कष्ट से हृदय जदि टी आघात हम तेल से तुम सहित बंधुता रखे नहीं तुम जितेबाला असुविधा हम से तुम सहित ड़ा हे ना तो दुर्जन जरासा खटपट दुर्जन जरा सा खटपट होती है तो अलग हो जाते हैं तो दुर्जन सहित जदि टिके भी अनबन हुए बा खटपट हुए ताहले से माने अलगा हो जाती आ तुम पाख को आसती नहीं देख घरे कौन देला घर देला कबीर दास के दोहे को स
साखी क्यों कहा जाता है? तो कबीर दास कर जो दोहे अच्छी ताको साखी काहीकि कहा जाइछि, काहीकि साखी कहा जाइछि? देखो साखी अर्थ कौन? साखी अर्थ आम जहाँ साखी देखता अर्थ निज आखिरे देखी था, निज जहाँ अनुभूति करता अनुभव करता आम साखी बोली कही था। तो साखी शब्दर अर्थ है जहाँ निजे स्वयं निज आखिरे जो तथ्य को देखी थांती ताको आम साखी बोली कहिबा। तो कबीर कौन करते ना से केबे भी विद्यालय जाइ नथिले, तो से केबे भी विद्यालय रा शिक्षा भी ग्रहण कर नथिले, तो तथापि से कौन करते ना तांको चारिपार्श्वरु बा तांको दूसरे जो तांको चारिपार्श्वरु बा दुनिया को देखी करी से बहुत किछि सिखिथिले। तो लोकमानकर व्यवहार चालीचलन तांको सहित तांकर माने से जा भाबुचंती जा चिंता करचंती तो सेई सब से देखी करी अर्थात दुनिया को से देखी करी से जा अनुभव करथिले सेटा को कौन करथिले से साखी साखी थिले अर्थात सेगुडी को से अनुभव करथिले आ तांकर से अनुभव थिला तांकर साखी। तो से ताहा को कौन करथिले शिक्षा करथिले से अनुभव गुडी को से शिक्षा करथिले एवं ताहा को से दोहे रूप रे लिखिथिले। सेथि पई दोहे रा अन्य नाम होचे साखी अर्थात दोहे जो आमी वर्तमान पढु चंदी सेगुडी कहजनी से तांका जीवन रा अनुभूति सब जहाँ से तांका आख चारि पाखरे देखि चंदी चतुर्पाश्वरे जहाँ से अनुभव करचंदी जहाँ से निज चक्षुरे देखि चंदी ताकु से दोहे रूप रे लेखि चंदी। तो सेथि पई दोहे को साखी बोली कहा जाए अर्थात से सत कथा अर्थात जहाँ से अनुभव करथिले। तो उत्तर रे लिखिबो साखी शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। साखी शब्द हेउचे ज्ञान एवं अनुभूति जहाँ आम अनुभव करिछंती तहार प्रतीक जहाँ आम अनुभूति आम आज पर्यंत जहाँ सब किछ अनुभव करिछंती जे जेपरी भाव में जहाँ को व्यवहार कले जे जेपरी प्रतिक्रिया करे एवं जहाँ सब भी किछ देखिछंती भल पाइबा बदल रे भल पाइबा मिले यदि आम खराब आचरण करथवा ता बदल रे खराब आचरण मिलबो। जदि तमे जने सांग क सहित भल आचरण कलो सी भी तम सहित भल आचरण करिबो एटा होछ त हमर अनुभूति। सेपरी जदि आम जनक सहित खराब आचरण करबा तले सी मध्य खराब आचरण करिबो। जदि आम जन सहित खराब आचरण करी मध्य सी आम सहित भल व्यवहार करछि ताले से लोकटी तो बहुत भल सेइरा होछ हमर अनुभूति। तो सी से सब कथा को से तांका दोहे रूप रे लेखिथिले। तो ये ज्ञान या अनुभूति है जिसे स्वयं कबीर ने अपनी अंतकरण से साक्षात्कार किया है। तो यही ज्ञान बा अनुभूति होछि कबीर निजे स्वयं मान निजे से अंतकरण से अर्थात अनुभवरु तम भितररु से साक्षात्कार किया है अर्थात से स्वयं से साक्षात करचंती सेई कथा को सब अंतकरण अर्थात से गुड़ को अनुभव करिचंती से गुड़ को चिंता करिचंती से गुड़ को से दोहे रूप रे लेखिचंती तेणु से गुड़ को आम साखी बोली कही था। इसीलिए कबीर दास की साखियों साखियाँ ज्ञान और अनुभूति की साखी है। तो कबीर दास कर जो ज्ञान बा साखियों का जो ये जो दोहेर जो ज्ञान गुड़िक से अनुभूति आसी अच्छी जहाँ को कि आम साखी बोली कही था। तापर देख दुई नंबर प्रश्न देला निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। तले दि जाइवा जो पदर खंड गुड़िकर तार अर्थ तुम कह बा स्पष्ट कर। करदेला मनीषा जन्म दुर्लभे दे है ना बारंबार एगुड़ी हूँ दोहे कबीर कर दोहे। तो एगुड़क आम कौन कर स्पष्ट करवा अर्थ मनीषा अर्थ मनुष्य जन्म जन्म अर्थ जन्म दुर्लभे अर्थ बहुत कष्ट मिले जोटा आम दुर्लभ दे है ना बारंबार दे है मो देह ना बारंबार अर्थ बारंबार आमको आम ये मनुष्य जन्म ये मनुष्य जो जन्म होती बहुत दुर्लभ तेनाली जन्म आमको बारंबार मिले अर्थ ये देह आमको बारंबार मिले आम ए मनुष्य हो जन्म होती तापे आम मरीगला आम कौन नहीं जन्म होगा कौन होम कौन हम से कथा कहीं भी जाणी ना तो तेणु कौन हम से कथा जान ना तेणु यह बारंबार आमको मिले ना तेणु यार उत्तर कौन लिख अर्थात किपर भाव तुम वर्णना कर ना ये अवतरण कबीर के दोहे से लिया गया है। यही खंड को आम कबीर का दोहे नि अवतरण है खंड। तो इसमें कबीर कहते हैं कि एथिरे कबीर कहिचंती कि मानव का जन्म दुर्लभ होता है। मानव अर्थ मनुष्यर जन्म दुर्लभ बा बहुत कष्ट रे जन्मटी मिली थाए इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी है। एथिपाई मनुष्य को श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी कहा जाए कारण तार चिंता करिवार शक्ति अच्छी से किसी जिनस चिंता करे एवं तार भाव अच्छी तार भावना अच्छी एवं से किसी अन्य जन को उपकार करिपारे से चलाबुला करिपारे तार भावना अच्छी पशु पक्षी गच्छ लता एम कौन भावना अच्छी एम कौन कथा कहीपारती एम कौन किसी चिंता करपारती चिंता करते भी आम कौन जापारती जापारती तेणु एम जीवन अच्छी एम प्राणी तथापि एम
ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ତ ହେଲା ଯେଉଁ ବାଘ ଭାଲୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେହିପରି ବିଲେଇ କୁକୁର ଶିଆଳ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ତ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ହେଲେ ମାନବ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ସେ ଖୋଲିକି କହିପାରିବେ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ତେଣୁ ଆମର ଏହି ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକତା କରିବା କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ଆମେ ସେହି କାମ କରିବା ଯେଉଁଟା ଭଲ କାମ ସବୁବେଳେ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ କହିବା ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାରଣ ଭଲ କଲେ ଆମର ହିଁ ଭଲ ହେବ ବା ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେବ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଯେଉଁଟା କରିବାଟା ଉଚିତ ସେଇ କାମଟି ଆମେ ସବୁବେଳେ କରିବା ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେହ ୟା ଶରୀର ବାର ବାର ନହିଁ ମିଳତା ମନୁଷ୍ୟର ଦେହ ବା ଶରୀର ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମିଳେ ନାହିଁ ଇଏ ଈଶ୍ୱର କା ବରଦାନ ହେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବରଦାନ ଅଟେ ତାପରେ ଦେଖ ଖରେ ଦେଲା ଦୁର୍ଜନ କୁମ୍ଭ କମ୍ଭାର କେ ଏକ ଧକ୍କା ଦରାର ତ ଦୁର୍ଜନ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ମାନେ କମାରର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କମାର କହିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ଭାର ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତା'ର କୁମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ମାଠିଆ ସଦୃଶ କିଏ ନା ଦୁର୍ଜନ ଦୁର୍ଜନକୁ ଏଠି କମାରର ମାଠିଆ ସଦୃଶ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ଏକ ଧକ୍କା ଦରାର ଏକ ହେଲା ଏକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଧକ୍କା ଦେବା ବା ତାକୁ ପ୍ରହାର କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମ ହାତରୁ ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ତା'ର ଦରାର ଆସିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ବା ସେ ଫାଟିଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯଦି ତୁମେ ଦୁର୍ଜନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦିଅ ବା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ତାହେଲେ ସେ ତୁମ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ହାତ ବଢ଼େଇବେନି ଥରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଯଦି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲ ଧକ୍କା ଦେବାର ଅର୍ଥ କିଛି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବା କିଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲେ ବା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦରାର ଆସିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଟ ଆସିଯିବ ସେମାନେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ସାଧୁ ହୋଇଥିବେ ବା ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ବନ୍ଧୁତା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ତ ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଇଏ ଅବତରଣ କବୀର କେ ଦୋହ ସେ ଲିଆ ଗିଆ ହେ ଏହି ଅବତରଣ ବା ଏହି ଖଣ୍ଡକୁ କବୀରଙ୍କର ଦୋହେରୁ ନିଆଯାଇଛି ତ କବୀର କେହେତେ ହେ କି କବୀର କହନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି କୁମ୍ଭାର କେ ଘଡ଼େ ଜେସା ଜେସେ ହୋତେ ହେ ମାନେ କୁମ୍ଭାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି କୁମ୍ଭାରର ଯେପରି ଘଡ଼ା ଅର୍ଥ ମାଠିଆ ତା ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯୋ ଏକ ଝଟକେ ସେ ଟୁଟ୍ ଯାତା ହେ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଧକ୍କାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ଦରାର ଆସିଯାଇଥାଏ ମତଲବ ଇଏ ହେ କି ମତଲବ ଏଇଆ ଯେ ତା'ର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ କି ସଜ୍ଜନ ଲୋକ ସର୍ବଦା ମିତ୍ରତା ବନାଏ ରଖତେ ହିଁ ସଜ୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ମିତ୍ରତା ରଖିଥାନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଅନେକ ଖରାପ ଆଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମ ସହିତ ସେହିପରି ବନ୍ଧୁତା ରଖିଥାନ୍ତି ତୁମ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ସେ ପୁଣି ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ସେ ତୁମକୁ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ସାଧୁ ଲୋକ କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ଥାଏ ସେମାନେ ନିର୍ମଳ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଷ୍କପଟ ଥାଏ ଏବଂ ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦିଅ ବା ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଳହ କରିଥାଅ ଝଗଡ଼ା କରିଥାଅ ତଥାପି ସେ ତୁମର ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଯେପରି ସୁନା ସୁନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ପୁନର୍ବାର ସେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ସେହିପରି ସଜ୍ଜନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସେ ତୁମକୁ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼େଇବେ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥାଅ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅସୁବିଧା ଥିବାବେଳେ ସେ ତୁମ ସହିତ ହାତ ବଢ଼େଇବେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବେ ମଗର ଦୁର୍ଜନ ଜରାସା ଖଟପଟ ହୋତି ହେ ଅଲଗ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯଦି ବି ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅସୁବିଧା ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତାରେ ଯଦି କିଛି କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ବନ୍ଧୁତାରେ କିଛି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତୁମ ସହିତ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତୁମଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ସେ ଆଉ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମେ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନକେ ଉତ୍ତର ଏକ ଏକ ବାକ୍ୟମେ ଦିଜିଏ ତ ତଳେ ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦିଅ କରିଦେଲା କିସ୍କେ ଜନ୍ମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ମାନା ଗିଆ ହେ କାହାର ଜନ୍ମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ବା ମାନିଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କହିବା ଉତ୍ତର ହେବ ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ମାନା ଗିଆ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଏପରି ଖରେ ଦେଲା କନ୍ କନ୍ ଟୁଟ୍ ଜାନେ କେ ବାଦ ଭି ଜୁଡ଼ ସକ୍ତେ ହେ କେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ
उत्तर हम सोना। सोना है सज्जन अर्थ सज्जन व्यक्ति को सुना सहित तुलना कराई कहीं सज्जन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं जैसे कि सोना तो सुना को भांगी देले आम जोड़ी पारा से हीपरी सज्जन व्यक्ति को आघात देवा कष्ट देवापर से जोड़ी हो जाए अर्थ आम सहित पुणी से हीपर से बंधुता रखिए। तापर चार नंबर प्रश्न कौन देला चार नंबर प्रश्न देला निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। तले दि जाइए प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे गोटे शब्द में दि कला क्या बार बार नहीं मिलता कौन बारंबार मिले ना उत्तर हम देह बा शरीर देह आ शरीर आमको बारंबार मिल न था मनुष्यर देह आ शरीर बारंबार आमको मिल न था। खर देला सज्जनों की तुलना किसे की गई है सज्जनकर अर्थ भल लोकंर तुलना कहा सहित होई उत्तर हम सोने से सोना सहित बा सुना सहित सज्जन व्यक्ति तुलना करा जाई गरे देला कुंभार का कुंभ किसे कहा गया है कुंभारर कुंभ बा माठिया कहा को कहा जाई उत्तर हम दुर्जन को दुर्जन बा खल प्रवृत्ति खल प्रकृतिर लोक माने कुंभारर माठिया सहित तुलना कराई थरे धक्का देले ताहा फाटी जीव कारण तांको सहित यदि थरे तुम खराब व्यवहार करिबो ताहाले से तुम असुविधा बेले आसिबेनी बा तुम सहित संपर्क भांगी देबे। तापर देख पांच नंबर प्रश्न देला कबीरदास के दोहे को कंठस्थ कीजिए कबीरदास को जो दोहे अच्छी ताकू तुम्हें मुखस्थ कर तुम बही रे जो दोहे गुड़िक अच्छी से गुड़िक तुम्हें मुखस्थ कर पढ़ीदेव। भाषा ज्ञान तो भाषा ज्ञान आम देखने तो एक नंबर प्रश्न देला जे कबीरदास संत थे काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश के विभिन्न स्थान का भ्रमण किया तो कबीरदास जन संत थिले से काशी रे थिले मध्य से विभिन्न देश तो मैंने देशर विभिन्न स्थान को से भ्रमण करथिले बुली थिले से काशी रे रही थिले किंतु देशर विभिन्न स्थान को से बुली थिले अतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों के शब्द पाए जाते हैं तेणु तांकर भाषा रे से जो भाषा कही था से विभिन्न राज्यर शब्द सब मिली थाए कहीं से आम देशर विभिन्न राज्य को से बुलवाक जाते से विभिन्न राज्यर शब्द को से ग्रहण करते कारण से कौन थे साक्षी थे अर्थ से सब जिनस अनुभव करुते चतुर्पार्श्व से देखिकला सबकि शिखी से शिखी थे मैं चतुर्पार्श्वर चतुर्पार्श्व जो दुनिया थी से दुनिया से सबकि शिखी तेनाली से जो राज्य को बुलाक जाऊँ से राज्यर भाषा कथा से से विभिन्न राज्यर भाषा भाषा से शिखी थे उनकी भाषा में वज्र भाषा तांको भाषा रे वज्र भाषा अवधि भाषा मगही भाषा भोजपुरी बुंदेलीखंडी राजस्थानी पंजाबी आदि का मेल है तो तांको भाषा रे वज्र भाषा अवधि भाषा मगही भाषा भोजपुरी भाषा बुंदेलखंडी भाषा राजस्थानी भाषा एवं पंजाब भाषार मिश्रण थिला बा मेल थिला साथ ही बोलचाल के क्षेत्रीय प्रभावों के कारण कबीरदास के कुछ शब्द रूप में परिवर्तन भी देखने को मिलता है तो साथ साथ तांकर जे क्षेत्रीय प्रभाव कारण रु तांकर कहिबा शैली मध्य सेथिरे तां कहिबा शब्द रे कि तांकर रूप रे किछि परिवर्तन देखा जाउथिला तो से तांकर कथा गुडी को कोन थिला से क्षेत्रीय परिवार रु थिले क्षेत्रीय प्रभाव तांकर कथा रे पडुथिला बा झलसुथिला जा फले रे कि से जे कथा कहउथिले बा तांकर बोलचाल थिला अर्थ से जे कथा कहउथिले से कथार शब्दर रूप मध्य परिवर्तन होउथिला काहेकि ना कारण क्षेत्रीय प्रभाव कथार बोल चाले प्रभाव देखा तो जैसे मनुष्य से मनीषा जमीती कि मनुष्य को से मनीषा बोली कहला मनुष्य तो ताकू से मनीषा कहते मन से मनवा मन को से मनवा कहते या मनुवा आदि कहते तेनाली बोल चाले क्षेत्रीय प्रभाव किटा देखा दूसरा जहाँकिंग शब्द रूप को परिवर्तन करूला उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदला जाती है तो उच्चारण परिवर्तन हेले वर्तनी मध्य परिवर्तन हम अर्थ शब्द मध्य परिवर्तन हम जेपरी देख मनुष्य उच्चारण मनुष्य आसुच्छी तेणु लेखला बेले मनुष्य आसब जदि मुझ उच्चारण मनीषा करी तेल ता वर्तनी अर्थ लेखा शैली परिवर्तन
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେହିପରି ମନ ମନ କୁ ଯଦି ମୁଁ ମନୁଆ କହିବି ତାହେଲେ ମନ ଲେଖାଟା ଅଲଗା ମନୁଆ ଲେଖାଟା ଅଲଗା ମନର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ମନୁଆର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେପରି ହେବ ତାର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତ ନିଚେ କୁଛ ଶବ୍ଦ दिए जा रहे हैं जिनका मूल रूप लिखिए जो आप समझते थे। तो तले किसी शब्द दि जाइए जार मूल रूप तुम्हें जहाँ भावु तुम्हें जहाँ भावु जो यार मूल रूप यह तुम्हें लिख तार मूल रूप से लिख देख दे तले कौन शब्द दे मनीषा तो मनीषार मूल रूप लेख जहाँ तुम्हें बुझुच वहाँ तुम्हें भावुच मनीषा है मनुष्य तेणु मनीषार कौन हम मूल रूप आम मनुष्य भाई मनीषार मनुष्य हम यहपर जुरे जुरे अर्थ है जुड़जाना तेणु आम मूल रूप कौन लिखा जुड़जाना आम मूल जुड़जाना ही बुझिंपरी बहुरी बहुरी अर्थ है पुनः तेणु आम पुनः को जानते तेणु बहुरी मूल रूप आम पुनः बोली भावती यहपरी धक्का धक्का आम धक्का देवा तेणु धक्कार मूल रूप आम कौन भावती ना धक्का है तार मूल रूप से दुई नंबर प्रश्न देला निम्नलिखित शब्द का समान अर्थ शब्द लिखिए तले दी जा शब्द गुड़िक प्रति शब्द व समान शब्द व समान अर्थ शब्द आम लिखा तार समान अर्थ कौन जेपरी मनीषा मनीषा देह तरबर सोना और कुंभ तेल मनीषा उत्तर लिखा मनीषार प्रति शब्द कौन हम मनुष्यर ना मानव और इंसान मनीषार मानव और इंसान हम तार प्रति शब्द जपरी तरबर तरबर अर्थ हो गच्छ गच्छ कौन हो पेड़ आउ वृक्ष तार अर्थ कौन ना वृक्ष है तरबर है पेड़ आउ वृक्ष है देह देहर अर्थ कौन शरीर आउ काया तो देह को शरीर आउ काया कहुएपरी सोना सोनार समान अर्थ बा प्रतिशब्द कौन हम सुनार कांचन आउ सुबन जपरी कुंभ कुंभ अर्थ कुंभ बा माठिया आम घड़ा भी कहींपर मटका भी कहींपर जार अर्थ माठिया को बुझौ सेपरी तीन नंबर प्रश्न देला निम्नलिखित शब्द का विपरीत शब्द लिखिए तले दी जा शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द व विलोम शब्द लेख यपरी जन्म दुर्लभ भजन साधु उत्तर कौन लिख जन्मर विपरीत जन्मर मरण दुर्लभर सुलभ सज्जनर सज्जनर दुर्जन सज्जनर दुर्जन सेपरी साधुर असाधु साधु असाधु ताप देख चार नंबर प्रश्न देला निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए तले दि जा वाक्य गुड़िकर शून्य स्थान को पूरण कर करदे मनीषा जन्म डैश हे मनुष्यर जन्म कौन दुर्लभ हे कौन दुर्लभ हे जपर डैश ना बारंबार देह ना बारंबार अर्थात देह बारंबार आम को मिले ना मनुष्यर जन्म दुर्लभ एवं देह आम को बारंबार मिले ना सेपरी खरे देला ड्यास सज्जन साधुजन सोना सज्जन साधुजन अर्थात सोना साधुजन को सोना सहित तुलना करा जाइछि ड्यास सो बार टूटी जुरे सो बार अर्थ भांगी जाई से मध्य सहे थर जोड़ी होई पारिबो टूटी अर्थ भांगी जाई जुरे अर्थ जोड़ी हेबा गरि देला दुर्जन ड्यास दुर्जन कुंभ कुंभार के कुंभारर कुंभ अर्थ माठिया जेपरी दुर्जन सेपरी तो दुर्जन कुंभ कुंभार के एक धक्का दरार तो गोटे धक्का देले कौन हो भांगी अर्थात दरार आसो ताप देख पांच नंबर प्रश्न कौन देला पांच नंबर प्रश्न देला निम्नलिखित शब्द के पांच पांच बार लिखिए तो तले दि जा शब्द गुड़ी पांच थर लिख जपरी कबीर कबीर को पांच थर लिख अर्थ कबीर कबीर है लिख एपरी कबीर कबीर बारंबार लिख कबीर कबीर है यहपरी बारंबार लिखे अनमोल तो अनमोल को कमी लिख पांच थर लिख अनमोल अन अन मोल है मोल मोल है यहपर भाव पांच थर लिख अन मोल यहपर लिख अनमोल सेपर मोती मोती को पांच थर लिख मोती हेला मोती एम लिख मोती हेला एपरी पांच थर लिख दुर्लभ सेपर दुर्लभ को मध्य पांच थर लिख पांच थर लिखले कौन हो बारंबार तुम अभ्यास बारंबार लिखले तुम अभ्यास
है पांच थर लिखिब दुर्लभ दुर्लभ लाइफ रे पांच थर लिखिब से परे कुम्हार कुम्हार को पांच थर लिखिब कुम्हार कुम्हार है ये पांच थर लिखिब तापर देख तले दिला ध्यान दीजिए कि हिंदी में हर्षई और दीर्घई मात्राएं होती है उनका सही लिखना जरूरी है। तो दृष्टि जो दियो जे हिंदी रे हर्षई और दीर्घई मात्रा गुड़िक अच्छी से गुड़िक ठीक रूप लिखिब देख हर्षई र मात्रा किपरि हर्षई र मात्रा एपरि दीर्घई र मात्रा एपरि आम ओडिया दीर्घई किपरि एपरि हर्षई किपरि एपरि जोटा केमती लिखिदेव है यहाँ कौन हर्षई ना दीर्घई एपरि जाटा है दीर्घई है एमती कबीर कबीर है दीर्घई एमती हर्षई और दीर्घई हर्षई दीर्घई है हर्षईटा यार मात्रा आसा है दीर्घईर मात्रा आसा बुझेना हर्षई दीर्घई तुम ओडिया जान दीर्घई से खाद एपटे देद बुझेना बाकीटा तो हर्षई ये तो यह प्रथम अध्याय आम प्रश्न उत्तर परवर्त भिडे आम अन्य एक विषय प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा।